प्रवीण कुमार गिरी जी हैं हमारे साथ और मैं इनके बारे में बताना चाहूंगा। इन्होंने CDS OTA के थ्रू अपना रिकमेंडेशन प्राप्त किया है और इनकी मेरिट भी आ गई है और आज हम आपके सामने इनकी सक्सेस स्टोरी लेकर आए। जय हिंद एवरीवन, आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आप जानते हैं लगातार आपके पास सफलताओं की कहानी आ रही है और अनगिनत सफलताओं की कहानी आ रही है जिन बच्चों ने अपने अपने फील्ड में अच्छा किया। लाइक वो NDA के थ्रू रिकमेंड हुए हैं, CDS के थ्रू रिकमेंड हुए हैं, NCC स्पेशल एंट्री के थ्रू रिकमेंड हुए हैं या और कोई भी एंट्री है जो क्लास एवं गस्टेड ऑफिसर फौज में बनाती है। तो आज ऐसे ही एक बहुत होनहार और बहुत प्यारा बच्चा हमारे साथ है, प्रवीण कुमार गिरी जी हैं हमारे साथ और मैं इनके बारे में बताना चाहूंगा। इन्होंने CDS OTA के थ्रू अपना रिकमेंडेशन प्राप्त किया है और इनकी मेरिट भी आ गई है और आज हम आपके सामने इनकी सक्सेस स्टोरी लेकर आए। खास बात इस सक्सेस स्टोरी की यह है कि इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 103 हासिल करी है अपने कैटेगरी में एंड इनका ये 8वां अटेम्प्ट था। तो पूरा डिटेल में जानेंगे कि किस प्रकार के इनके अप डाउन्स आए, क्योंकि इन सब चीज़ों से आप बहुत कुछ सीखने को पाते हैं और इनकी तैयारी कैसे थी, इनकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, इनका बैकग्राउंड कैसा था, तो आप अपने बैकग्राउंड के इनके बैकग्राउंड से रिलेट कर पाते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ प्रवीण मैं आपका और बहुत प्राउड फील होता है जब एक शिष्य के सामने ऐसे बात करने का मौका मिलता है और वो तभी हो पाता है जब वो बच्चा अपने फील्ड में कोई अचीव कर पाता है गोल, जिस गोल के लिए वो आता है। तो बहुत ढेर सारे बच्चे आज हमें सुन रहे हैं और हम यही चाहेंगे कि आप अपनी जर्नी बिल्कुल जीरो से बताएं, जहां से आपने स्टार्टअप किया था अपनी जर्नी को, डिफेंस फोर्सेस का सपना कैसे आपके दिमाग में आया, ये सब तो जानेंगे लेकिन उसके पहले आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके फादर क्या करते हैं, आपकी स्कूलिंग और आपकी पढ़ाई किस माहौल में हुई है। जी, सबसे पहले तो मेरा नाम प्रवीण कुमार गिरी है, हम बनारस के रहने वाले हैं लेकिन हम बैंगलोर में काफ़ी टाइम से सेटल्ड हैं। मैंने अपना पूरा एजुकेशन क्लास 10th, क्लास 12th, इनफैक्ट माय ग्रेजुएशन, ये तीनों चीज़ें वहाँ पे की। उसके बाद आई वाज वर्किंग फॉर अ कंपनी, 2 साल तक मैंने उनके लिए काम किया एंड ये फौज का सपना कॉलेज के दूसरे साल से शुरू हो गया था। उसका बहुत बड़ा एक रीज़न था कि मैंने पापा के साथ 1 महीना बिताया था उनके कैंपस में। ओके। और जो वो फौजी ज़िंदगी होती है, जो सुबह उठना 4 बजे, मच्छरदानी क्लोज करके बेड बनाना, दौड़ पे निकलना, वापस आना, छोटे मोटे काम सब कुछ करना, तो काफ़ी फैसिनेटिंग लगने लगा था। मतलब हर दिन एक सिपाही जब उठता था तो ऐसा लगता था कि उनका आज का दिन कल से प्लान्ड है। सुबह उठ के वो कन्फ्यूजन नहीं रहता था, वो क्लैरिटी थी। और फिर जब वहाँ पे मैंने देखा कि मेरे उम्र से 5-6 साल बड़े लड़के हैं जो काफ़ी यंग दिखते हैं और वो 40-40, 45-45 साल के लोगों को कमांड कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, और ऐसे एक ज़बरदस्ती तरीके से नहीं, वो जब ऑर्डर कर रहे हैं तो सामने वाला सुन भी रहा है, तो मेरे दिमाग में ये बात खटकी कि इतना यंग और यू नो डैशिंग आदमी कैसे इतने सारे लोगों को कमांड कर रहा है। फिर मैंने अपना रिसर्च किया, मैंने देखा कि मेरे एजुकेशन के हिसाब से क्या क्या एलिजिबल हूँ मैं, तो मैंने इंजीनियरिंग की नहीं तो बहुत सारी डायरेक्ट एंट्रीज का कभी सवाल ही नहीं उठा। तो फिर मैंने देखा कि मेरे पास 2 ऑप्शन है, CDS रिटन एंड FCAT रिटन। फिर उसके बाद मैं उसकी तैयारी में लग गया, फिर वॉरियर डिफेंस एकेडमी का काफ़ी हेल्प रहा मेरे रिटर्न वगैरह में, और एक बार रिटर्न क्लियर हुआ फिर उसके बाद SSV की जंग शुरू हो गई। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं, आपके
फादर क्या करते हैं, मम्मी अभी हाउस वाइफ है या कहीं वर्किंग में है, कितने आप सिबलिंग्स हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जब फैमिली वाली बात आती है तो हमें आगे बढ़ने में काफ़ी मदद करती है। जी तो वो बच्चे को रिलेट कर पाएंगे खुद को आपके फैमिली से कि पापा ये थे, मम्मी ये थी, घर में इतने लोग थे, तो एक माहौल मिलता है उस तरीके से, तो वो जी समझ पाएंगे। जी मेरे परिवार में टोटल 6 लोग हैं। माता पिता मेरे, पापा इंडियन आर्मी में, एक्स इंडियन आर्मी हैं अभी, ओके उन्होंने आर्मी एयर डिफेंस में 25 साल सर्विस की है और वह नायब सूबेदार रैंक से रिटायर हुए थे। मम्मी हमेशा से हाउसवाइफ रही हैं, बट कहीं ना कहीं मम्मी का कंट्रीब्यूशन पापा से ज़्यादा रहा है। जब पापा वहाँ कंट्री को सर्व कर रहे थे तो मम्मी हमें रेज कर रही थी, तो उनका काफ़ी बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है। बाकी हम 4 बच्चों में से मेरी सबसे बड़ी बहन है जो मुझे हमेशा इंस्पायर करती हैं। फिलहाल वो ये सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका ऐसा था कि वो सुबह से शाम तक आराम से पढ़ सकती हैं और मैं ऐसा नहीं हूँ। बट उनको देख देख के फिर रिटर्न वगैरह के लिए मैंने वो कंसंट्रेशन, वो फोकस सीखा। हालांकि और जो जो दो छोटी बहनें हैं फिलहाल, एक कॉलेज में हैं और एक स्कूल में हैं, तो मैं उनके लिए तो यही उम्मीद करूँगा कि अब जब मैंने कुछ कर लिया है तो मेरी तरफ, मतलब मेरा सक्सेस देख के वो भी कुछ बड़ा ड्रीम करे और उसको अचीव करे। बिल्कुल जी। थोड़ा सा एजुकेशन में किस प्रकार से आप थे पहले से, 10th के स्टैंडर्ड में आप पढ़ाई में कैसे थे, 12th में कैसे थे, ग्रेजुएट में पहुँचे तो वहाँ पर ग्रेजुएशन आपने किस परसेंटेज के साथ किया? जी सर, क्लास 10th ओवरऑल एजुकेशन में काफ़ी अच्छा रहा हूँ मैं। क्लास 10th में मेरा 92% था CBSE में, आई वॉज वन ऑफ द टॉपर्स इन द स्कूल। क्लास 12th में हालांकि वो परसेंटेज थोड़ा नीचे गया बिकॉज साइंस थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। हालांकि आई हैड माय प्रॉब्लम्स विथ मैथ्स, काफ़ी कैलकुलस उस मेजर ड्रॉबैक, बट ओवरऑल काफ़ी कंसिस्टेंट रहा हूँ मैं अपने एजुकेशन में। मैंने हमेशा चीज़ें बैलेंस की है, मैं पढ़ाई भी करता था, मस्ती भी करता था, खेलता था, कूदता था, घूमने भी जाता था। और क्लास 12th में आई वॉज एबल टू स्कोर 80% हर दिन, एक दो दो घंटा दे के। मेरा ग्रेजुएशन एक्चुअली मेरे एजुकेशन का हाईलाइट है, क्योंकि ड्यूरिंग दोज 3 ईयर्स ऑफ कॉलेज मैंने 9 CGPA कंसिस्टेंटली बना के रखा वाइल आई वॉज हेडिंग अ लॉट ऑफ कमिटीज़ इन द कॉलेज। तो आई थिंक वो लाइफ का वो टर्न अराउंड पॉइंट था जहाँ पे एजुकेशन के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर्स ने भी काफ़ी इंपॉर्टेंस ले लिया था। तो वहाँ पे आई यानी अच्छे बच्चों में थे आप, अच्छे पढ़ने वाले बच्चों में थे और जैसे कहते हैं पढ़ाकू टाइप के, तो आपने पढ़ाई भी करी है और स्पोर्ट्स वगैरह जैसे आपने कहा खेलने कूदने में थोड़ा टहलने में भी ध्यान रखता था, लेकिन आपने पढ़ाई को और डीप तरीके से समझा और अपने परसेंटेज बताते हैं कि भाई आपने अच्छे तरीके से पढ़ाई करी है। परवीन, मैं भी और बहुत सारे बच्चे और जो देख रहे हैं आज, वो ये सोच रहे होंगे भाई इतना अच्छा बच्चा पढ़ने में है और उसके बाद 8वीं SSB में रिकमेंड हुआ। अब पहले से 8वीं तक एक कह लीजिए 2-3 साल की जर्नी है पूरा, कि अगर आप हर 6 महीने पे अपनी CDS और FCAT दोनों एंट्रीज आप दे रहे हैं तो लगभग 1.5-2 साल का समय बीत जाता है एंट्रीज को देते देते और 8वीं SSB तक आप पहुँचते हैं। ये जो फेजेज होते हैं, आप पढ़ने में अच्छे हैं, आप पढ़ के पेपर निकाल रहे हैं, फिर SSB में फेल हो रहे हैं, फिर पढ़ के पेपर निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक माइंड को बैलेंस करना अपने आप में बड़ा टफ टास्क होता है। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, बहुत सारी निगेटिविटी हावी हो जाती है। इस ड्यूरेशन आपने खुद को कैसे मैनेज किया? सर इनिशियली तो दिक्कत होती है, क्योंकि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है जब स्टार्टिंग के 3-4 अटेम्प्ट होते हैं तो वो तो ये समझने में लग जाता है कि सिस्टम गलत है या मैं। Okay. सिस्टम गलत नहीं है क्योंकि SSB इज़ अ लॉन्ग स्टैंडिंग प्रोसेस, बट वो स्टार्टिंग का हमारा एक एज अ एस्पिरेंट फेज होता है, हमें लगता है हम सही हैं, जो कि एक गलत एटीट्यूड है। क्योंकि पूरी ज़िंदगी आई हैव डन वेल इन माई रिटन्स एंड ऑल थ्रू, क्योंकि आई यूज टू ट्रीट इट एज अ टेस्ट एंड हिसाब से सिलेबस निकाल लिया, पढ़ लिया। SSB एक पर्सनैलिटी टेस्ट है, तो उसका तो कोई सिलेबस ही नहीं है, और मैंने कभी खुद को पढ़ने में इतना टाइम नहीं लगाया। मुझे लगता था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ के, लेक्चर पढ़ के हो जाएगा। तो फर्स्ट 3 अटेम्प्ट्स में इट टुक मी अ वाइल टू अंडरस्टैंड कि दिस इज़ अ पर्सनैलिटी टेस्ट, एंड सिंस इट इज़ अ पर्सनैलिटी टेस्ट एंड आई एम नॉट एबल टू मेक इट, दैट मीन्स कि आई हैव टू वर्क ऑन माई पर्सनैलिटी। अब वेन एवर द डाउन फेज केम, अभी जैसे अभी हम ऐसे बात कर रहे हैं, देर आर मैनी कॉन्वर्सेशन दैट रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैव हैड विद मेंटर्स लाइक यू एंड ऑन वेरियस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, तो मैं हर दिन सोने से पहले रात को आई यूज़ टू लिसन टू इट एंड आई यूज़ टू पिक आउट दोज पॉजिटिव पॉइंट्स, जहाँ जहाँ मुझे लगता था कि हाँ मेरी स्टोरी यहाँ से मैच कर रही है। वो एक बहुत बड़ा मेजर मोटिवेशन था।
फिर एक बार एसएसबी की रेस में घुस जाओ तो दोस्त साथी इतने बन जाते हैं। सो एवरी टाइम आई गॉट अ गुड न्यूज़ कि कोई दोस्त रिकमेंड हुआ है तो फिर उनसे बातचीत करके थोड़ा मोरल अप कर लेते थे। एंड चैलेंजिंग रहा है बिकॉज मैंने एसएसबी का हर फेज देखा है, मैंने कॉन्फ्रेंस वाला भी देखा है, स्क्रीन आउट भी देखा है और अभी रिकमेंडेशन वाला भी देख लिया है। तो अप एंड डाउन चलता रहता है बट एज लॉन्ग एज वी बिलीव कि मुझे बस खुद पे काम करते रहना है, एट द एंड ऑफ द डे वी विल मेक इट एट सम पॉइंट। बहुत अच्छी बात कही आपने कि जो मोटिवेशन है जब आप जिस रास्ते पे चल रहे होते हैं और उस रास्ते वाले सक्सेस वाले पर्सन को देखते हैं या कोई कुछ अचीव कर पाता है जिस गोल के लिए जा रहा था तो ऑटोमेटिक लगता है यार मैं भी कर सकता हूँ, ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बिल्कुल अपने आप को चार्जअप करने के लिए या और अच्छे से खुद पे पर्सनालिटी पे काम करने के लिए ये फेज ज़रूरी होता है, जो मुझे लगता है आपने उसको अच्छे तरीके से प्रयोग किया अपने सफलता में अर्जित करने के लिए। जी सर। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो शायद आपने खुद से असेसमेंट किया हो कि आपने पिछली 7 एसएसबी से 8वीं एसएसबी में क्या डिफरेंट किया कि आप रिकमेंड हो गए। पिछली 7 एसएसबी में जो आपका रिकमेंडेशन का कारण बन रहा ना बन पा रहा था, आप नॉट रिकमेंडेड में आ रहे थे बार बार, तो उस 7 को देखा जाए अगर और फिर 8वीं को देखा जाए तो क्या उस विजन में चेंजेस आपके आया कि नहीं मैं इस बार ये करके जाऊंगा? क्या कुछ ऐसा प्लान आउट किया आपने या कुछ और उसके पीछे प्रोसेस था जो आपकी 8वीं एसएसबी में आपका रिकमेंडेशन हो गया? सर सबसे बड़ा मेजर रीज़न ये था कि बाय द टाइम द 8th एसएसबी केम आई वाज डूइंग वेल इन लाइफ, तो डेस्परेशन नहीं थी। ओके। एंड द सेकेंड रीज़न वो डेस्परेशन क्यों नहीं थी, क्योंकि रूटीन बहुत सॉलिड बन गया था। नॉर्मली ऐसा होता है, आई मीन माई फ्रेंड्स विल डेफिनेटली से कि ऐसा होता है, हम बहुत ढीले हो जाते हैं ज़िंदगी में और फिर जब वो कॉल लेटर आता है एसएसबी का तो लगता है अरे बस 15 दिन है, चलो आज से रूटीन फॉलो करेंगे, आज से लेक्चरेट पढ़ेंगे। तो ये गलती सब करते हैं, ये गलती मैंने इस अटेम्प्ट में नहीं की। मुझे पता था एसएसबी की डेट कब आएगी बट मैं 3 महीने से लगा था, मैंने 3 महीने एक रूटीन फॉलो किया है जिसमें मैंने कॉन्स्टेंटली आपसे बात करते रहा, मैं गाइडेंस लेते रहा, फिर हमारे साइकोलॉजिस्ट योगेश दत्ता सर वॉज ऑलवेज गाइडिंग मी इन टर्म्स ऑफ कैसे स्टोरी लिखनी है, कैसे लिखनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड अ फ्यू कपल ऑफ मॉक इंटरव्यूज ऑल्सो आई डिड बिफोर गोइंग बिकॉज आई डिड दिस वेल इन एडवांस जब एसएसबी में 1-2 महीने थे, बिकॉज आई वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं जाने वाला हूँ, मैं परफॉर्म करने वाला हूँ, तो इट्स बेटर दैट आई गेट टू नो नाउ कि वेयर डू आई स्टैंड, एंड अगर अभी पता चल गया तो आई कैन डेफिनेटली वर्क माई सेल्फ अप। और ये मैंने प्रीवियसली भी किया है बट आई वुड से कि प्रीवियसली शायद मैंने उस इंटेंसिटी या उस सीरियसनेस के साथ नहीं किया जो मैंने इस बार ही किया, और इस बार ही मेरे पास काफ़ी समय था तो मैंने उस समय का पूरा यूज़ किया, मैंने अपना नॉलेज बढ़ाया, फिजिकल स्टैमिना बढ़ाया और सोचने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया। तो रादर देन गोइंग एज एन असेसर दिस टाइम आई वॉज मोर ऑफ अ कैंडिडेट, तो अगर मैंने कहीं फट्टा बली लगाया है तो मैं खुद को जज नहीं कर रहा था कि मैंने सही लगाया कि नहीं, मैं बोला मैं कैंडिडेट हूँ, मुझे वहाँ पहुँचाना है टीम को, मैं पहुँचा दूंगा, जिसको असेस करना है वो कर लेंगे। सो दैट वॉज अनदर मेजर पॉइंट। मुझे जो लगता है जिस तरीके से आपने बताया कि जब आप बेहतर प्लानिंग पहले से स्टार्ट करते हैं तो वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है ना वो कहीं ना कहीं रिलीज हो जाता है। लास्ट टाइम पे 15 दिन बचा है भाई, कर ले टीईटी की प्रैक्टिस, कर ले डब्ल्यूईटी, कर लो मॉक इंटरव्यू कहीं देना है, चल कहीं कुछ जीटीओ का आउटडोर प्रैक्टिस करने को मिल जाए, तो मुझे लगता है वो और एक्स्ट्रा प्रेशर आपके ऊपर क्रिएट करता है और जो आपकी जेन्युइन पर्सनालिटी होती है वो कहीं फिर दब जाती है और फिर आप जाते हैं दिखाने की कोशिश करते हैं कि मुझे रिकमेंड होना ही होना है, और फिर शायद जो एसएसएस बैठे हुए हैं बहुत दे आर वेरी क्वालिफाइड और हाईली एक्सपीरियंस्ड है, उनको यही देखना है कि भाई कौन सा ऐसा बंदा है जो गलत है उसको बाहर करो, पहले सही वाले तो रुक ही जाएंगे, गलत वाले को आउट करते रहो, और वो रिकमेंडेशन के लिए ही बैठे हैं कि बच्चों को भाई लेना है मुझे, तो अगर क्वालिटीज आपके अंदर दिखती है तो जरूर वो आपको सिलेक्ट करते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूरे कन्वर्सेशन में मुझे लगी कि आपने हिम्मत नहीं हारी, हर एक एसएसबी में अपने आप को आप इम्प्रूव करते गए, आप कहे कि जब आपके पास ज़्यादा समय था तो उसको और अच्छे से आपने प्रयोग किया, आपने अपनी नॉलेज को, क्योंकि एसएसबी मुझे लगता है कि पर्सनालिटी का टेस्ट तो है ही है, निश्चित है, लेकिन जो नॉलेज है आपकी ना वो भी जिस पॉइंट पे आप बात कर रहे हैं या डिस्कशन में बात कर रहे हैं किस वे में कर रहे हैं और कितना डेप्थ तक नॉलेज है, क्योंकि अगर नॉलेज नहीं है उसके बारे में आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करोगे तो एक दो आइडियाज आप देंगे फिर आप रुक जाएंगे, बट अगर आप उसके डीप तक जा रहे हैं ना तो बंदा ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, आप किसी ना किसी तरीके से लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है। जब आप डेप्थ तक नॉलेज क्रिएट करते हैं तो आपके अंदर लॉजिकल थिंकिंग ज्यादा, आप लॉजिक्स देना शुरू कर देते हैं जो बहुत अहम रोल निभाता है आपकी सफलता में। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और
मैं जितने भी कैंडिडेट सभी जो सोच रहे हो कि मैं 8वीं SSB हो गई, 9वीं हो गई, 10वीं हो गई, ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो 13th में, 15th में आपके सामने ही, अब मैं उनका खुद इंटरव्यू लेकर आया हूँ, आपने देखा भी होगा। तो बिल्कुल आपको अपनी कमियों पर काम करना है, ये नहीं होना चाहिए यार इस बार मैं जाऊँगा और सिलेक्ट होकर ही आऊँगा। आपको ये सोचना है इस बार मैं अपने आप को अच्छा करके जाऊँगा। सिलेक्शन होना ना होना ये तो वहाँ देखने वाला देख लेगा, जैसा होगा वैसा वो रिजल्ट देगा। लेकिन अगर मैं अपने आप को इम्प्रूव कर गया, उस लेवल तक चला गया, तो निश्चित मेरी सफलता सुनिश्चित है, कोई नहीं रोक सकता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ सजेशन जो अपनी तरफ से आप उन बच्चों को, क्योंकि आपने इस जर्नी में 8 अटेम्प्ट में बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत सारे मिस्टेक्स बनाए होंगे, तो वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो ये बच्चे ना करें और किस पर थोड़ा फोकस करें कि इनके अपकमिंग जो SSBs लगी हैं ये बच्चे अपने आप का बेस्ट दे पाए। तो आपका सजेशन क्या होगा इनकी अपकमिंग SSBs को लेकर? सर पहले तो कुछ मिथ्स हैं जो मैं एस्पिरेंट्स के बीच में हमेशा रहते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ जो तीनों टेस्ट है ना, ना उसमें से कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कोई ना, और समथिंग तीनों में से कोई नॉट इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। तीनों बस तीन अलग अलग तरीके हैं टू चेक फॉर द क्वालिटीज़। हर एक टेस्ट कोई, वो जो 15 OLQs है, हर टेस्ट अलग अलग OLQs को बाहर निकालता है। फॉर इंस्टेंस जितना भी सोशल अडेप्टिविटी रिलेटेड है, GTO इज़ मेंट फॉर दैट। वो बताता है कितना कोऑपरेशन है, कितना कम्युनिकेशन है, स्टैमिना, करेज। तो कभी भी ऐसे मत सोचना, आई हैव मेड दिस मिस्टेक, कि साइकोलॉजी और इंटरव्यू बहुत अच्छे से कर लेंगे, GTO देखा जाएगा। डोंट डू दैट। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर अच्छे से डिलीजेंटली फॉर ऑल थ्री। एंड SSB की प्रिपरेशन में जितना टाइम है उतना कम है, तो 15 दिन की तैयारी में भी लोग रेकमेंड होते हैं, महीनों की तैयारी में भी होते हैं। तो अगर तुम आज देख रहे हो वीडियो तो तैयारी आज से शुरू कर दो, बिकॉज यू नेवर नो व्हेन द सक्सेस इज गोइंग टू नॉक योर डोर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, कॉन्फ्रेंस का टाइमिंग डजेंट डिसाइड योर रिकमेंडेशन। 10 मिनट के कॉन्फ्रेंस में भी लोग बाहर होते हैं और 1 मिनट के कॉन्फ्रेंस में भी लोग इन होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड से कि यू नो, डोंट डू द मिस्टेक, मेक द मिस्टेक्स दैट आई मेड। डोंट बी एन असेसर। व्हेन यू गो इन एज अ कैंडिडेट, यू आर देयर टू शोकेस योर बेस्ट सेल्फ। अगर आपने वहाँ पे एक सेल्समैन बन के जा रहे हो और आपका प्रोडक्ट आप खुद हो, तो रादर देन ट्राइंग टू ब्रेक द सिस्टम एंड अंडरस्टैंड कि इतने सारे TAT रट्टा मार लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिस्टम एंड देन अपने आप को उस तरीके से ढाल लो आप कि आप जो देखो आप परफॉर्म करो, दैट इज़ ऑन द राइट लाइन्स। एंड फॉर दैट टू बी ऑनेस्ट, यू नो, मोस्ट ऑफ अस आर क्लूलेस, क्योंकि यूट्यूब पे देर इज़ अ लॉट ऑफ कंटेंट विच इज़ मिसगाइडिंग इन नेचर। तो माई एडवाइस वुड बी कि अगर अब रेस में उतरे हो तो सही कोच ढूंढ लो, बिकॉज यू नीड द राइट मेंटर्स इन लाइफ इफ़ यू आर गोइंग टू परस्यू अ गोल जहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस आर सो स्लिम। सो दैट्स वन एडवाइस, डोंट डिले, आई मीन डोंट लेट द वर्ड कोचिंग मिस गाइड यू। कोचिंग को बहुत बदनाम कर दिया लोगों ने शब्द को, बट इफ़ यू फाइंड द राइट मेंटर्स, माई फ्रेंड्स, आई एम टेलिंग यू, जो काम 2 साल में होने वाला था, दैट कुड हैव बीन डन इन 1 ईयर। And last but the not not the least, this is not for SSP but in life, stay stuck to the ground, be humble, try to learn more and more. कोई आपसे छोटा या बड़ा नहीं होता है, कोई दो चीज़ सिखा रहा है तो सीख लो, और अगर आप किसी को सिखाना चाहते हो तो सिखाओ तभी जब सामने वाला आपसे ज्ञान मांग रहा हो। तो बस उतना ही है, that's all. बिल्कुल, जैसे कहते हैं लाइफ में एक अच्छा इंसान बनना है ना, SSB और ढेर सारी चीज़ें हैं वो तो ऑटोमेटिक हो जाएंगी। बिल्कुल वही बच्चे ने बताया आपको, और इसी वजह से शायद इनका रिकमेंडेशन भी हुआ कि ये अपने आप को लर्नर फेज में रखे, ये अपने आप को थोड़ा समझदार वाले फेज में रखे, यार मैं कौन हूँ, मुझे करना क्या है, मैं एक बच्चे के हिसाब से, माता पिता के हिसाब से कैसा हूँ, मैं गुरु के हिसाब से कैसा हूँ, यार दोस्तों में मुझे कैसा रहना है, मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता है, उस पर मुझे काम करना है। और यही सक्सेस के मंत्र हैं, बार बार हर जगह आप सक्सेस स्टोरीज में यही सुनते हैं बेटा। तो इसको सुनना नहीं है, इसको फॉलो करना है, इस पर जुटना है कि नहीं भाई ऐसा करने से जब हो जाते तो ऐसे करना है, उसमें डिफिकल्ट क्या है भाई। जब हर व्यक्ति आपको यही कह रहा है कि ऐसा करने से ही हो रहे हैं, तो बस वैसा ही स्टार्ट कर दो करना, और सच में अगर वैसा ही करोगे तभी आप होंगे। आप रट के कोई चीज़, एक्स्ट्रा दिखाकर कोई चीज़, आप जेन्युइन तरीके से अच्छी जगह नहीं जा सकते कभी भी। तो इस वजह से अपने आप को पहले अंदर असेसमेंट करिए, खुद में देखिए कि कहाँ कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हैं और कितना ज़्यादा ओवर शो करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं करिए, सिंपल रहिए, लर्नर बनिए, ज़्यादा मेहनत करिए, ज़्यादा पढ़िए, और ज़्यादा हर प्रकार से जो भी आपके तरफ से हो पा रहा है उस पर ध्यान दीजिए। मैं अगेन आप
सभी प्यारे बच्चों की तरफ से इन्होंने अपनी एक जंग तो जीत ली है, रिकमेंडेशन प्राप्त कर लिया है, अब ट्रेनिंग सेंटर में जा रहे हैं, इनके ज्वाइनिंग लेटर भी आ चुकी है। बट हम सभी इनके लिए विश करेंगे कि जब ये डिफेंस फोर्सेज में जाएं तो आने वाले समय हमें एक ऐसा गुड न्यूज मिले कि ये डिफेंस फोर्सेज में भी टॉप पर है, लाइफ में बहुत बड़ा कुछ कर रहे हैं। और उसके लिए हम सभी ढेरों शुभकामनाएं आपको देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं कि आप हमेशा अपनी लाइफ में एकदम हाई पर रहिए। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, बच्चों को गाइड करने के लिए। और एक टीचर को इससे ज़्यादा प्राउड का समय नहीं मिलता है जब किसी शिष्य से बात करने का मौका मिलता है, उससे हाथ मिलाने का मौका मिलता है और उसकी जर्नी को सामने प्लेटफॉर्म पे लाने का मौका मिलता है। थैंक यू अगेन हमें प्राउड फील कराने के लिए। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है अपनी लाइफ में और ये बच्चे खुद समझते हैं कि जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे हम ऊपर नहीं जाएंगे। थैंक यू अगेन। थैंक यू सर। इंडियाज नंबर वन एकेडमी वॉरियर डिफेंस एकेडमी संघ होगा डिफेंस ऑफिसर बनने का सपना साकार। बेस्ट फैकल्टी और सेना के सर्वोच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में सीखिए सेकंड्स में सॉल्व होने वाले मैथ्स ट्रिक्स और कीजिए 11th 12th के साथ एनडीए की तैयारी। न्यू बैच स्टार्टेड फॉर एनडीए सीडीएस एसएसबी। कॉल 7081011964।